तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में और टाइटल में, अगर आप जयपुर आ रहे हैं और यहाँ पर कहाँ रुकना है, कौन सी जगह यहाँ पर रुक सकते हैं, बेस्ट धर्मशाला और बेस्ट होटल्स, बजट धर्मशाला जो कि सस्ती और अच्छी धर्मशाला है कौन सी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ भाई। तो देखिए यहाँ पर जो आप इस गली में ना, यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला है भाई इधर, और होटल्स भी हैं बहुत सारे, इसके अलावा ढाबे वगैरह खाने पीने के भी बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक जगह बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इसकी कौन सी लोकेशन है, ये कहाँ पर और कैसे यहाँ पहुंच सकते हैं इस जगह पर जहाँ पर ये धर्मशाला है, बहुत ही सस्ती धर्मशाला है यहाँ पर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो देखिए भाई यहाँ पर जस्ट पास में 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन जैसे आप निकलेंगे इधर, यहाँ पर ये पुलिस, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है और ये लिख रहा है पुलिस थाना सदर जयपुर पश्चिम। एक बार आपको यहाँ पर आपको शायद ये उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको रेयर कैमरे से भी दिखा दूंगा जिससे आपको सही से दिखाई दे। और ये भाई यहाँ पर गली, अभी चलिए थोड़ा सा पीछे से आपको दिखा कर लाता हूँ ताकि आपको लोकेशन का, एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाए। इधर देखिए जस्ट सामने ये रेलवे स्टेशन है, इधर जस्ट सामने आप देख रहे हो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है ये। तो भाई देखिए जैसे ही आप स्टेशन से आएंगे इधर रोड से होकर के यहाँ पर आकर के 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, और इस गली में काफी सारी धर्मशाला है, तो आप इन धर्मशालाओं में आकर रुक सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इधर ये लिखा हुआ है पुलिस थाना सदर जयपुर पश्चिम, यानी कि पुलिस स्टेशन सदर जयपुर पश्चिम, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर आप ये कह देना अगर आप ऑटो से आ रहे हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से दूसरी जगह उतरते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा लगभग आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ जाता है, तो आप ऑटो से यहाँ आ सकते हैं। और ये पुलिस स्टेशन है सदर पुलिस स्टेशन, इस गली में जाकर के भाई बहुत सारी धर्मशाला है यहाँ पर। इधर देखिए ये लोकेशन है यहाँ पर एक्चुअली, इधर आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर इस गली में आकर के, चलिए अभी आपको सीधा गली में लेकर के चलता हूँ, यहाँ पर कई सारी धर्मशाला है जहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो इधर जो है ये गली है भाई, बस थोड़ी ही डिस्टेंस पर है, यहाँ पंचायत धर्मशाला है और बहुत सारी धर्मशाला है, बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप लोगों को 250-150 इतने रुपए तक की यहाँ पर रूम मिल जाएंगे 24 आवर्स के लिए, सिंगल डबल एसी नॉन एसी सभी तरह के रूम है यहाँ पर। ये इधर यहाँ पर आकर के इधर बहुत सारे ये गेस्ट हाउस भी हैं, होटल्स भी हैं, अगर आप धर्मशाला प्रेफर नहीं करना चाहें, होटल्स वगैरह प्रेफर करना चाहें तो यहाँ पर आप लोग होटल्स बहुत सारे हैं इस गली में। तो भाई यहाँ पर आकर के ये इधर ही पंचायती धर्मशाला है, और उससे बढ़िया और सस्ता रूम यहाँ पर शायद ना मिले आपको, तो आप बढ़िया और सस्ते रूम के तलाश में हैं जयपुर में तो भाई सीधे पंचायती धर्मशाला पहुँच जाइएगा, और पंचायती धर्मशाला से बेस्ट धर्मशाला यहाँ पर नहीं हो सकती है भाई। इसके अलावा देखिए, चलिए पहले देखो एक धर्मशाला यहाँ पर ये भी है इधर साइड में, पहले आप लोगों को ये वाली धर्मशाला इधर कवर कर लेता हूँ यहाँ पर। इधर देखिए ये वाली जो धर्मशाला है भाई, यहाँ पर भी काफी अच्छी रूम्स है, इधर आकर के आप लोग रुक सकते हैं यहाँ पर, ये इधर यहाँ पर रास्ते में ही पड़ेगी ये, और बहुत सारे होटल से खाने पीने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये देखिए है ना। तो यहाँ पर चलिए इसी में चलते हैं पहले, और इस धर्मशाला में आप लोग जो है रहकर रूम जो है देख सकते हैं भाई। भाई देखिए यहाँ पर ये धर्मशाला है, और यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं इस धर्मशाला के ऑनर, चलिए इनसे भी बात करते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं यहाँ के रेंट वगैरह के बारे में, क्या कुछ रेंट है। उससे पहले आप लोग यहाँ की जो ये इंस्ट्रक्शन वगैरह ये पढ़ लीजिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन है, और इसमें पूरे धर्मशाला में आप लोगों को घुमाऊंगा कि आप लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, किस तरह के रूम हैं। तो चलिए पहले इनसे बात करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? चंदन। सर यहाँ पे जो ये रूम वगैरह हैं, सिंगल और डबल दोनों किसी को भी मिल सकता है ना? अगर कोई सोलो ट्रेवलर है, अकेला बंदा आ रहा है तो उसको भी मिल सकता है? सबको मिल सकता है। सिंगल रूम का क्या चार्ज है? अच्छा, सिंगल रूम का 250 चार्ज है, और मतलब और डबल बेड का 300। तो भाई यहाँ सभी तरह के रूम है, 300 और 250, अगर आप सिंगल है तो 250 रुपए में रह सकते हैं। और चलिए अभी रूम्स वगैरह दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर इस रूम के अलावा देखिए, अगर आपको रूम पसंद नहीं आया, आप यहाँ पर रुकना चाहें हॉल में, तो यहाँ पर आप हॉल में भी रुक सकते हैं यार। यहाँ पर आप लोगों को ये चारपाई मिल जाएगी सोने के लिए, और इधर लॉकर बने हुए हैं आपके सामान रखने के लिए। अपना ताला आपको बाहर से लाना पड़ेगा, अपना खुद का ताला खरीद के लाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लोग रात भर के लिए रह सकते हैं। ये उसके लिए अगर आप रूम नहीं लेना चाहें, केवल रात भर के लिए, मतलब सोना ही सोना है आपको, आप शाम को 6:30 बजे के बाद आना है सो करके, और सुबह 9 बजे यहाँ से चले जाना नहा धो करके, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह टॉयलेट्स वगैरह बनी हुई है। और देखिए इस तरह के रूम है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये इस तरह के रूम बने हुए हैं, और इधर यहाँ पर
ये जो है आरओ लगा हुआ है, वाटर कूलर। और चलिए एक रूम में आपको दिखाता हूँ। तो देखिए भाई, इस तरह के रूम बने हुए हैं इस धर्मशाला में। सभी बुक्ड हैं। और चलिए किसी रूम में आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इसमें और भाई देखिए इस धर्मशाला में अंदर से रूम कुछ ऐसे हैं। ये देखिए इतना बड़ा रूम है ये, मतलब बहुत बड़ा रूम नहीं है। और इसमें दो ये बेड पड़े हुए हैं छोटे छोटे, मतलब दो लोग आराम से इसमें रह सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से वेल फिनिश्ड रूम है, टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं और ऊपर ये फैन लगा हुआ है, एक लाइट है इसमें। और इधर ये पॉइंट है चार्जिंग वगैरह और ये सारी चीजें। यहाँ पर ये इसके डोर, और ये देखिए भैया, मतलब ठीक है रूम यार। देखो बहुत कुछ तामझाम नहीं है, टीवी वीवी की आपकी कोई जरूरत नहीं होती। जब आप घूमने आते हो तो आप रूम में नहीं रहते हो ना, दिन भर तो आप बाहर ही रहते हो। रात को आते हो 8-10-11 बजे और आके अपना 5 घंटे के लिए, 5-6-7 घंटे के लिए सोना नहाना धोना ही तो होता है, उसके लिए ये रूम बेटर है ना। अब देखो यार, 300 रुपये किराया है इसका और ये दो लोगों के लिए है, ये है ना। 300 रुपये इसका रेंट है, मतलब एक नाइट का, मतलब एक नाइट क्या 24 आवर्स का। तो आप लोग यहाँ पर आराम से देखो रह सकते हैं। 300 रुपये बहुत बहुत कोई ज़्यादा नहीं है। जब आप मतलब आप सोच रहे हैं कि कहीं बजट में रहना चाहें, बहुत ही कम रेंट पर कहीं रहना चाहें, एक रात के लिए रुकना चाहें, तो आपके लिए ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है भाई, है ना। इस तरह के रूम्स बने हुए हैं, सिंगल रूम्स भी हैं, डबल रूम्स भी हैं, वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको सेपरेट वॉशरूम वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह सेपरेट नहीं मिलेंगी इस धर्मशाला में। यहाँ पर जो ये इस तरह का जो रूम है 300 रुपये वाला, यहाँ पर आपको कॉमन वॉशरूम और कॉमन टॉयलेट्स वगैरह यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो भाई इस धर्मशाला में आकर के यहाँ से निकल करके आप लोग ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी जस्ट साइड में ये श्री श्याम पवित्र भोजनालय है। और इधर ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पर पंचायती धर्मशाला, श्री पंचायती धर्मशाला। तो इस पंचायती धर्मशाला में आकर के आप लोग रुक सकते हैं 24 आवर्स के लिए, जितने भी देर के लिए, जितने भी देर के लिए रुकना चाहें। और इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई रूम आपको लोगों को जयपुर में, ये भी बजट रूम और बहुत ही सस्ता रूम यहाँ पर मिलेगा। तो देखो ये है, ये धर्मशाला है, आप देख सकते हैं इसको, ये पंचायती धर्मशाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर श्री पंचायती धर्मशाला है ये। और यहाँ पर आप लोग कितने भी दिन के लिए रुक सकते हैं भाई, बहुत ही सस्ते रूम है इधर और काफी अच्छे रूम्स हैं यहाँ पर। ये देखिए इधर, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं एक बारी इनके ओनर से कि कितने रुपए का रूम यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर यार देखिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, जो पंचायती धर्मशाला है ये सुबह 5 बजे ओपन हो जाती है और रात को 11 बजे तक आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, बिना सामान व ताला के कमरा मिलेगा, यानी कि आपको अपना खुद का ताला लगाना पड़ेगा भाई। इन सभी धर्मशालाओं में यहाँ पर अपना रूम को लॉक करने के लिए ताला लेकर के आना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग एसी, नॉन एसी सभी तरह के रूम ले सकते हैं भाई इधर। और कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये हैं, आप लोग ये पढ़ सकते हैं भाई, इधर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर ये रेंट है रूम्स का, यानी कि अगर आप सिंगल बेड डीलक्स कमरा लेना चाहेंगे तो ये देखिए 190 रुपये का, और 1000 रुपये आपको सिक्योरिटी देनी होगी। इसके अलावा डबल बेड डीलक्स कमरा का 270 रुपये किराया है यहाँ पर और 1500 रुपये सिक्योरिटी है। इसके अलावा ट्रिपल बेड डीलक्स कमरा लेना है तो आपको 350 रुपये पे करने होंगे और ये 2000 रुपये सिक्योरिटी। इसके अलावा 4 बेड डीलक्स कमरा लेना है तो 410 रुपये ये रेंट है और ये 2000 रुपीज यहाँ का सिक्योरिटी है। इसके अलावा डबल बेड एसी कमरे का जो रेंट है भाई वो 600 रुपये होने वाला है और 3000 रुपये यहाँ का सिक्योरिटी देनी होगी। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, ये रेंट है, ये सिक्योरिटी है। और सर ये क्या है बीच में? तो चलिए भाई थोड़ा सा अंदर से आप लोगों को दिखा देता हूँ धर्मशाला में। पंचायती धर्मशाला यहाँ पर आकर के आप लोग 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं। और ये जो किराया अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर रेंट जो बताया कमरों का, वो 24 आवर्स के लिए ही था। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बाकी अंदर ये अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो नहीं तो मैं आपको अंदर से भी दिखा दे, बाकी आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर ये। और जनरली जिस तरह के रूम होते हैं
धर्मशालाओं में वैसे ही रूम यहाँ पर, लेकिन काफ़ी बेटर है औरों से। तो ये धर्मशाला है यहाँ पर, और भाई जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इससे बेटर धर्मशाला यहाँ पर, और वो भी बहुत ही सस्ती, बजट बहुत, मतलब आप आपके जो आउट ऑफ पॉकेट नहीं होगी, तो ये बहुत ही अच्छे रूम से इस धर्मशाला में आकर के यहाँ पर आप लोग रह सकते हैं भाई। तो भाई धर्मशालाओं के अलावा यहाँ पर होटल्स भी हैं। ये देखिए एक होटल यहाँ पर, ये भी है रूपानी गेस्ट हाउस, और ये श्री राधे कृष्णा रूपानी पवित्र भोजनालय है। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको अलग से पे करना होगा, और यहाँ पर रूम भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा टूर एंड ट्रैवलर्स यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, जैसे संपर्क कर सकते हैं गाड़ी वाड़ी के लिए भी। तो चलिए अभी अंदर से आप लोगों को मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, और एक बार ये भैया से बात करता हूँ कि भैया यहाँ पर जो है रूम वगैरह रेंट वगैरह कितने का है। तो भैया एक बार जरा बताओगे कितने कितने का रेंट कुछ है आप यहाँ का सिंगल रूम डबल, यहाँ पे चलेगा इसको ले लीजिए माइक को। आपने जैसे यहाँ पे नॉर्मल रूम है 400 रुपये का है, नॉर्मल रूम 400 रुपये का है, ठीक है भैया। और अगर कूलर वाला रूम अटैच रूम लोगे वो 600 रुपये का है, और एसी वाला कमरा है अपने 800 रुपये का। अच्छा, तो इस तरह के रूम है अपना, एसी नॉन एसी वगैरह है। हाँ ये सभी, ठीक है भैया। एक बार आप जो है रूम वगैरह दिखा दोगे? तो चलिए भाई आप लोगों को चलो रूम वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोग। अच्छा इधर, अच्छा अच्छा ओके ओके भाई, ये इनका देखो मैंने जैसा ट्रैवलर एजेंसी भी है ना, तो यहाँ पर आप लोग अगर घूमना चाहें तो भाई घूम भी सकते हैं। गाड़ी वगैरह हायर रेंट पर मिल जाएगा ना, ये सारी चीज़ें तो भाई रेंट पर मिल जाएंगी गाड़ी वगैरह आप लोग यहाँ पर। और ये रूम्स बने हुए हैं भाई यहाँ पर, चलिए आपको एक किसी रूम में दिखाता हूँ कि किस तरह का रूम है। ये सिंगल बेडरूम है यहाँ पर, नॉन एसी है ना, नॉन एसी नॉन कूलर नॉर्मल रूम है भाई ये। अच्छा डबल बेड है ना, और नॉन अटैच कमरा है ये, ये देख सकते हैं इस तरह के कमरे बने हुए। क्या रेंट है भैया इसका? 400। तो भाई ये 400 रुपीज में है ये जो रूम है ये, और इसमें दो लोग रुक सकते हैं ना, दो से तीन लोग रुक सकते हैं भाई यहाँ पर। ये इस तरह का नॉर्मल रूम है, कोई इतना वो नहीं है, और जो वॉशरूम और टॉयलेट्स वगैरह वो कॉमन है, अटैच नहीं है, नॉन अटैच है यहाँ पर। ये वॉशरूम वगैरह बनी हुई है, इसके अलावा ये सारे रूम बने हुए हैं, ऊपर भी रूम बने हुए हैं, काफ़ी सारे रूम्स हैं। तो भाई यहाँ पर आकर के आप लोग अपना अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं भाई, अटैच वाली होटल दिखा देंगे। तो भाई यहाँ पर एक्चुअली में ये इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, और यहाँ पर जो इनके नॉन अटैच ये मतलब टॉयलेट वॉशरूम वगैरह अटैच नहीं थे, इनकी एक दूसरी होटल्स भी है पास में जहाँ पर एसी वगैरह और एसी रूम्स और अटैच वॉशरूम्स वगैरह ये सभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए अभी उसी होटल्स में चलते हैं, और भैया रूम्स वगैरह भी दिखा रहे हैं, और वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जयपुर आ रहे हैं तो कहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं, सस्ते और बढ़िया होटल्स धर्मशाला। तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एकदम, आप लोग लोकेशन मैंने बताई दी है यहाँ पर कौन सी लोकेशन है, बिल्कुल एकदम रोड पर सारी चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई दी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। ये इनका यहाँ पर आप देखो, ये है होटल निस्वा, और ये इन्हीं का है, यहाँ पर सभी तरह के रूम्स मिल जाएंगे। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना भूल गया भैया, जो सोलो ट्रेवलर्स होते हैं, सिंगल जो लोग आते हैं, उनको भी कोई इश्यू नहीं होता ना यहाँ पे? नहीं नहीं कोई दिक्कत। और फैमिली भी आ सकती है भाई, सोलो ट्रेवलर सभी आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये अपना एसी रूम रहेगा, ये इनकी जो है ट्रेवलर एजेंसी है, आप संपर्क कर सकते हैं। ये एसी रूम है भैया, ये एसी रूम है भाई। तो देखिए इस तरह से ये बड़ा स्टैंडर्ड रूम है, और ये बेड है इधर आप लोगों को, यहाँ पर ये टेबल मिल जाएगी, फैन लगा हुआ है, और इधर ये वॉशरूम वगैरह है, यहाँ पर एसी ये लगी हुई है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये वॉशरूम वगैरह है। काफ़ी अच्छा रूम है यार, वेल मेंटेन है, काफ़ी अच्छा, दो लोग आराम से रुक सकते हैं, दो तीन लोग। और भाई यहाँ पर ये जो है चेकआउट आपको 12 बजे करना होगा दोपहर को, बाकी आप इनसे फ़ोन से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है इनके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो भाई इस तरह के ये रूम्स होते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप जयपुर आए हैं रूम्स लेने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर इससे पहले यहाँ पर आ सकते हैं आए हैं, तो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।